हाय, माय नेम इज विकास चक्रवर्ती। आज हम जो क्वेश्चन को लेके आए हैं और किस टॉपिक पे लेके आए हैं, वो टॉपिक क्या है, हम लोग को कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल और उसके बाद उसे इंटरेस्ट निकालने हैं। तो ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट निकालने के लिए जिस मेथड का यूज़ करना होगा वो कौन सा मेथड है, जो किस कैपिटल की कंडीशन में, यानी कैपिटल दो टाइप्स के होते हैं, दो मेथड अप्लाई किए जाते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा। तो अब इसके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं जो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2। ऑन 31 मार्च 2017 आफ्टर क्लोजिंग द बुक of account, their capital account should add ₹4,80,000 and 6 lakh। ठीक है, अब इसमें जो क्लोजिंग कैपिटल दे रहा हुआ किसका दे रहा है, एक्स का एंड वाई का कितना दिया हुआ, एक्स का दे रहा है क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2017 का 4,80,000 एंड वाई का कितना दे रहा है 6 lakh। ओके, अब यहां क्या कर रहा है, ऑन 1 May 2016 एक्स इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल of ₹1,20,000 and Y withdraw 60,000 from his capital। अब देखिए इसमें X ने introduce किया हुआ है 1 May 2016 को कितना किया हुआ है 1,20,000 and Y ने withdraw कितना किया हुआ है 1 May 2016 को 60,000। फिर क्या कह रहा है, on 1 October 2016 X withdraw 2,40,000 for his फ्रॉम हिज कैपिटल एंड वाई इंट्रोड्यूस 3 lakh। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 1 अक्टूबर में किसने विड्रॉ किया हुआ है, एक्स ने विड्रॉ किया हुआ है एंड वाई ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब यहां पर क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम चार्ज करने के लिए। अब फिर क्या कर रहा है यहाँ पे, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% हैड बीन ओमिटेड। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या थी, यहाँ पे ओमिटेड था, तो हम लोग को क्या निकालना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट क्या है 6%। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड ₹2,40,000। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट थी वो कितने का था, वहां पे 2,40,000 की प्रॉफिट है। एंड द पार्टनर ड्रॉइंग हैड बीन एक्स 1,20,000 एंड वाई 60,000। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट ऑफ 6% और किस किस मेथड पर निकालना है, एक फिक्स कैपिटल मेथड पे होगा और दूसरा होगा फ्लक्चुएटिंग मेथड पे। तो ये तो था क्वेश्चन था जो आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। अब देखिए यहां पे है क्या कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम लोग फिक्स कैपिटल की बात करते हैं। तो फिक्स कैपिटल के लिए हमने इसके पहले वाले सेशन में भी बात किया था, फिक्स कैपिटल में क्या होता है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल ऐड क्या करते हैं, विड्रॉ कैपिटल, जितना कैपिटल से विड्रॉ किया उसको ऐड किया और जो भी एडिशनल कैपिटल होती है उसको माइनस करते हैं, तो हमारी क्या निकलती है, वो ओपनिंग कैपिटल निकलती है। ठीक, तो अब इसके लिए हम लोग पहले फिक्स कैपिटल के लिए करते हैं, तो उसके लिए कैसे आएगा, तो फिक्स कैपिटल के लिए यहां पे देखते हैं, हमने पहले से किया हुआ है, तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड करते हैं। तो कैसे है, यहां पे देखिए दो दिया हुआ है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, अब ये फिक्स कैपिटल कंडीशन में एक्स और वाई की जो कंडीशन दे रहा है, तो एक्स और वाई की कंडीशन में क्या है, एक्स की कैपिटल कितना बता रहा है 31 मार्च 2017 को इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल थी एक्स का था कितना था 4,80,000 था और Y का कितना था 6 lakh rupees। ठीक है, X का कैपिटल 4,80,000 एंड Y का कैपिटल कितना है 6 lakh। इन्होंने कहा कि 1 May 2016 को किसने विड्रॉ किया हुआ है, Y ने विड्रॉ किया हुआ है, तो Y ने ऐड किया यहां पे क्या, विड्रॉ कैपिटल, जितना भी विड्रॉ करते हैं 1 May 2016 को X ने Y ने विड्रॉ किया था 60,000, यहां पे इसको ऐड कर रहे हैं। अब क्या आ गया, और X ने विड्रॉ कब किया था, 1 अक्टूबर 2016 को विड्रॉ किया था, तो इसको भी यहां पे ऐड किया, तो कितना आ गया 2,40,000। अब इन दोनों का हमने ऐड किया आफ्टर विड्रॉ के बाद, यानी इसके विड्रॉ करने के पहले इनकी कैपिटल कितनी थी, तो एस का कितना है 7,20,000 एंड वाई का कितना है 6,60,000। अब ये तो विड्रॉ कैपिटल को ऐड किया, अब जो कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ था उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब देखिए यहां पर एक्स ने जो वाई ने और एक्स ने जो किया होता है, तो एक्स ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था कब, 1 May 2016 को 1,20,000 एंड 1 अक्टूबर 2016 को वाई ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था 3 lakh। तो आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी जो हमारे एडिशनल कैपिटल था
उसको माइनस करने का एक्स का आ गया 6 लाख एंड वाई का कितना आ गया 3,60,000। ये क्या आ गया इनकी ओपनिंग कैपिटल। इसमें जब भी फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में प्रॉफिट और ड्रॉइंग का कोई भी कैलकुलेशन इसमें यूज नहीं होगा। ये किस कब होती है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। अब देखिए ये तो आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इसके लिए हम लोगों ने एक्स का निकालना है एंड वाई का। तो एक्स के निकालने के लिए क्या किया हम लोगों ने? प्रोडक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, डेट अमाउंट मंथ प्रोडक्ट। अब देखिए डेट क्या है, 1 अप्रैल 2016 को एक्स का एंड वाई का कैपिटल कितना आया था? तो एक्स की कैपिटल आई थी 6 लाख। ठीक है, पहले हम एक्स की बात करते हैं फिर वाई के। तो एक्स की कैपिटल कितना आया था? 6 लाख। फिर इसने क्या किया था, 1 मई 2016 को इसने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तो इसकी कैपिटल क्या हो जा रही है, यानी 6 लाख + 1 लाख 20,000 इज इक्वल टू 7 लाख 20,000। फिर इसने क्या किया था, 1 अक्टूबर 2016 को विड्रॉ किया, तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी यहाँ पे 7,20,000 से 2,40,000 माइनस किया तो कितना आ गया, 4,80,000। ये तो अमाउंट आ गई इनकी। अब देखिए यहाँ पे जो मंथ का कैलकुलेशन कैसे आता है, तो अप्रैल से लेकर मई तक कितने मंथ का हुआ, 1 मंथ। फिर मई टू अक्टूबर कितने मंथ का हुआ, 5 मंथ। एंड अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ हुआ, 6 मंथ। ये तो मंथ आगे मल्टीप्लाई किया। तो अब इसमें देखिए प्रोडक्ट में कितना है, 6 लाख × 1 6 लाख, 7,20,000 × 5 36 लाख, फिर 4,80,000 × 6 28,80,000। ये टोटल ऐड किया तो टोटल आ गए 70,80,000। अब इंटरेस्ट निकालना हो रहा है, तो 70,80,000 × रेट कितना था, ओमिटेड कितना था, 6% इंटरेस्ट था, तो 6/100 बेस ऑफ 1 मंथ या 1/12 किया, तो ये किसका इंटरेस्ट आ गया, एक्स का आ गया 35,400। सेम वाई में भी सेम यही प्रोसेस। वाई के लिए क्या हुआ, 1 अप्रैल 2016 को वाई की कैपिटल कितनी थी, 3,60,000। फिर इसने 1 मई को इसने क्या किया था यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और फिर सॉरी 1 मई को इसने क्या किया था, विड्रॉ किया हुआ था, और फिर 1 अक्टूबर को इसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। जब विड्रॉ किया तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, 3,60,000 में से कितना विड्रॉ किया था इसने, 60,000, तो बचा कितना यहाँ पे, 3 लाख। अब इसके बाद फिर इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ था 1 अक्टूबर 2016 को 3 लाख, तो इसको ऐड किया तो कितना आ गया यहाँ पे, 6 लाख। अब सेम मंथ का भी वही, अप्रैल टू मई 1 मई टू अक्टूबर 5 मंथ, और अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ, मल्टीप्लाई किया 3,60,000 × 1 किया 3,60,000, 3 लाख × 5 किया 15 लाख, 6 लाख × 6 किया 36 लाख, पूरा आ गया 54,60,000। अब 54,60,000 पे इंटू 6/100 निकाला और इंटू 1/12 बेस ऑफ 1 मंथ, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 27,300। ये क्या आ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में। एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पे जब भी आप मंथ का कैलकुलेट करोगे तो ये हमेशा 12 आएगा, ये दोनों कहीं पे भी रहेगा ये कितना आएगा, 12 आएगा। चेक करने के लिए देख सकते हैं कि मंथ के लिए कभी कैलकुलेशन करते हैं तो कभी किसी का 11 आता है, कभी 13, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखोगे आप कि आईएमपी जब भी टोटल करोगे इसका मंथ का तो 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ ही होते हैं। ओके, अब आते हैं फिक्स कैपिटल के बाद हम लोग आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कोई एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सेम टू सेम उसी प्रोसेस में चलना है, क्यों, थोड़े से चेंजेस हैं। थोड़े से चेंजेस क्या क्या हैं, अब देखिए यहां पे क्या दे रहा है, पहले उन्होंने तो फिक्स कैपिटल की तरह यहां तक कैपिटल निकाला है जी। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, ड्रॉइंग होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब देखिए यहां पर ड्रॉइंग कितना दिया हुआ था, यहां पे एक्स का ड्रॉइंग और वाई का ड्रॉइंग कितना दिया हुआ था, यहां पे पार्टनर का ड्रॉइंग एक्स का दिया 1,20,000 एंड वाई का दिया हुआ 60,000, तो यहां पे एक्स का ड्रॉइंग ऐड किया 1,20,000 एंड वाई का ड्रॉइंग कितना दिया हुआ यहां पे 60,000, तो वाई की ड्रॉइंग को ऐड किया 60,000। अब देखिए इसको ऐड करने के बाद एक्स का कितना आया 7,20,000 एंड वाई का कितना आया 4,20,000, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब इनकी तो क्या, ये आ गई 4,20,000 एंड 7,20,000। अब यहां पे आया, अब इनकी प्रॉफिट कितना बता रहा है यहां पे, प्रॉफिट यहां पे बता रहा है कितना 2,40,000। इनका रेशियो क्या है, 3:2 का है। जब प्रॉफिट है कितना है 2,40,000, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो जब 3:2 के डिवाइड में कर रहे हैं तब कितना आ जाएगा इनका, यानी 2,40,000 / 5 किया तो कितना आ गया 48,000।
ठीक है, और 48,000 इनटू 48,000 इनटू 3 1,44,000 and 48,000 into 2 96,000 ठीक है। अब 48,000 into 2 और इसका किया तो अब देखिए इनके इसको माइनस करें तो इसका कितना आएगा 5,76,000 किसका आ गया x का आ गया 5,76,000 एंड y का कितना आया 3,24,000। ये क्या आ गई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में, हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, सेम वही चीज लिया, ड्राइंग को क्या किया ऐड किया और प्रॉफिट होगी तो इसको क्या किया माइनस किया। अब यहां पे क्या हो रही है ये तो हमारी क्या आ गई इनका ये क्या आ गया यहां पे ओपनिंग कैपिटल आ गई, एक्स का कितना आ गया 5,76,000 एंड वाई का कितना आ गया 3,24,000। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, अब देखिए इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, कहां कहां पर चेंज आएंगे, डेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन केवल इनके अमाउंट में, मंथ में कोई चेंज नहीं होगा केवल इनके कैलकुलेशन में, सेम वही प्रोसेस वाई में भी वही चेंजेस आएंगे। सेम चीज डेट वाई केवल अमाउंट हल्की सी चेंजेस आएंगी। अब देखिए ठीक है, अब देखते हैं इसकी ओपनिंग कैपिटल कितना आया था 5,76,000 तो यहां पर लिखा 5,76,000। अब देखिए इसमें कितना इसने इंट्रोड्यूस किया हुआ था 1,20,000, जब 1,20,000 यूज किया तो इसकी कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई 6,96,000। जब इसने इंट्रोड्यूस किया हुआ था 1,20,000, अब क्या हुआ इसने विड्रॉ किया हुआ कितना विड्रॉ किया 2,40,000 तो कितना आ गया यहां पे 4,56,000 4,56,000। सेम वही प्रोसेस इंटू वन किया तो 5,76,000। अब देखिए 6,96,000 इंटू 5 कर रहे हैं तो कितना आएगा 34,80,000। ठीक, अब देखिए अब कितना है 4,56,000 इंटू 6 तो 27,36,000। ये तो आ गई, अब इसका पूरा टोटल करते हैं तो कितना आएगा 67,92,000। ओके, अब यहां पे भी इंटरेस्ट निकालना है किस अमाउंट पे, इस पे 67,92,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 कितना आएगा इसका भी ये कैसे निकाला क्लियर है, यहां पे मल्टीप्लाई किया इनका एक अमाउंट आ गया 67,92,000 तो 67,92,000 इंटू 6/100 और बेस ऑफ वन मंथ लिया तो 1/12 किया ठीक है, तो 1/12 का तो कितना आएगा 33,960। ये तो आ गई एस का इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक्स का आ गया। सेम अब वाई का देखते हैं तो वाई की ओपनिंग कैपिटल कितनी आई थी 3,24,000 तो वाई का मैं लिखा 3,24,000। ठीक, अब देखिए वाई ने क्या किया था इसमें विड्रॉ किया हुआ था कितना विड्रॉ किया हुआ था 3,00,000 जो विड्रॉ किया हुआ था और फिर इसमें एडिशनल सॉरी विड्रॉ कितना किया था इसने 60,000 और इसने क्या किया था एडिशनल कैपिटल लगाया था 3,00,000 जब 60,000 विड्रॉ किया था इसकी कैपिटल क्या हो गई कम हो गया, जब कम हो गया तो कितने से कम हो रही 60,000 से जो उतना विड्रॉ किया हुआ था तो कितना आ गया यहां पे 2,64,000। अब फिर इसने क्या किया था एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ था तो एडिशनल कैपिटल कितना यूज किया हुआ था 3,00,000 तो यहां पर कितना आ गया 5,64,000। ठीक, अब देखिए 5,64,000 था अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,24,000 इनटू 1 किया तो कितना आ गया 3,24,000।
अब 264,000 इंटू 5, 264,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 13,20,000। ठीक, अब आया 1 अक्टूबर में था तो 5,64,000 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 33,84,000। 33,84,000। ठीक, अब टोटल किया तो कितना आ गया, 50,28,000। 50,28,000। ठीक, अब देखिए यहां पे कितने पे कैलकुलेशन निकलेगा, यहां पे फिफ्टी लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड थाउजेंड इंटू सिक्स बाई हंड्रेड इंटू बेस ऑफ वन मंथ कितना आ गया, 25,140। ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, ये किस कंडीशन में, अगर फिक्स कैपिटल होगा तब की कंडीशन में कैसे निकालेंगे, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तब की कंडीशन में क्वेश्चन में कैसे, पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया और फिर उससे रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे होगा, पास्ट एडजस्टमेंट पे की कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, अगर आपकी चीज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। थैंक यू।